संयुक्त अरब अमीरात के उद्यमियों ने हिमाचल में पर्यटन, स्मार्ट सिटी और वेलनेस क्षेत्रों में निवेश की जताई इच्छा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, निवेशकों को हर संभव सहायता देगी हिमाचल सरकार। विश्व नशा निवारण दिवस पर प्रदेश भर में आयोजित किए गए अनेक कार्यक्रम। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा, नशे के दुष्प्रभावों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करेगी सरकार। अगले महीने तक प्रदेश को धुआं मुक्त बनाने का लक्ष्य। गृहिणी सुविधा योजना के तहत सोलन में पात्र महिलाओं को बांटे गए मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन। किन्नौर के पूर्व विधायक तेजवंत नेगी के नेतृत्व में जिले का एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में जगत प्रकाश नड्डा से मिला। भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर दी बधाई। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से भी की भेंट, उन्हें मंत्री बनने पर दी बधाई। बसों में ओवरलोडिंग रोकने के लिए परिवहन विभाग ने कदम उठाने किए शुरू। सिरमौर जिले में राज्य परिवहन निगम ने बसों की कमी को देखते हुए 15 नए रूट शुरू करने का लिया निर्णय। बरसात के दौरान ऊना जिले की स्वान नदी के किनारे बसे सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की उठी मांग, प्रशासन ने जल्द कदम उठाने का दिया आश्वासन। रामपुर हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर स्टेशन के अनुबंध कर्मचारियों ने बायल में किया धरना प्रदर्शन। मजदूरों का आरोप, मांग पत्र के अनुसार श्रम कानून का नहीं हो रहा है पालन। मॉनसून पूर्व वर्षा से खेतों को मिली पर्याप्त नमी, मक्की सहित अन्य खरीफ फसलों की बिजाई का काम जोरों पर। प्रदेश के अनेक भागों में आज बादल छाए, मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन राज्य के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात, जबकि अन्य भागों में गरज के साथ वर्षा की संभावना जताई है।